हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो सीन ये है कि कल हम लोग शादरा वैली से हो आए थे, तो आज हमारा ट्रिप है नूरी वाटरफॉल की तरफ। और नूरी वाटरफॉल का सीन ये है कि हमें उसका रास्ता वगैरह तो ही पता, गूगल मैप के थ्रू ही जाएंगे, तो रास्ता वगैरह हमें पता नहीं कैसा है। तो हमने ये डिसाइड किया फिलहाल कि हम लोग एक बाइक लेके जा रहे हैं और बाइक जहांगीर बाइक लेके जाएंगे। ऑब्वियसली बात है क्योंकि यार मेरी बाइक है लो हुई हुई है, वो नीचे लगेगी अगर रास्ता गंदा हुआ तो। तो फिलहाल निकलते हैं, जहांगीर भाई रेडी हो रहे हैं, रेडी होने के बाद नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं। टाइम आई थिंक हो रहा है 10 बजे का, 10 बजे हम यहाँ से निकलते हैं। 58 किलोमीटर गूगल बता रहे हैं यहाँ से, तो 58 आने जाने में तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे, तो साथ साथ रहेगा। और जिस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑन दी वे टू नूरी वाटरफॉल हज़ारा। तो भाई साहब सीन्स चेक करो यार, बहुत ही प्यारे व्यू है यहाँ पे, और नीचे फुल गहरी किस्म की खाई है और ये सामने बादल ही बादल आए। हाय 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 चस्सा। और बाइक पे बहुत मजा आ रहा है जहांगीर भाई, और हमें आड़ू कस एट द टाइम। मरी भी रास्ते में आता है, मरी से आगे है काफ़ी। और गूगल हमें बता रहा है कितने किलोमीटर भाई, वो कॉल में भेजिए 42 किलोमीटर अभी आगे है यहाँ से। फिलहाल सीन ये बना है कि पुलिस वालों ने हमें रोका है, हेलमेट हमने नहीं पहना हुआ था, तो जहांगीर भाई ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये हेलमेट उतार के आप हमें दे दें, हमें डोनेट करते जाएं। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है। और फिलहाल जहांगीर भाई हेलमेट पहनते हुए और हेलमेट पहन के अब आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं हम लोग। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. भाई साहब फिलहाल आए हुए टॉप पे, बिल्कुल बहुत टॉप पे आए हुए हम लोग। नीचे ये सारे रोड जा रहे हैं जिधर से हम अभी होके आए हैं, तो व्यू चेक करो आप लोग। और फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट देते हैं बाइक को, ठीक है, बाइक को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और ख़ुद भी हम लोग व्यू एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ नूरी वाटरफॉल। तो यार फुल ख़तरनाक किस्म का रास्ता है यहाँ पे, मेरी बाइक का काम नहीं था जो इसी वजह से जहांगीर भाई की बाइक लेके आए थे। मुझे पहले ही पता था कि इस टाइप का रास्ता होना है, तो इसीलिए बाइक में अपने लिए लेके आया। और वापसी भी हमने इस रास्ते से नहीं जाना, बहुत सुनसान रास्ता है, कोई एक बंदा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर, आवाम है ही नहीं, बिल्कुल ख़तरनाक किस्म के रास्ते हैं। तो वापसी भी हम मोनाल वाली साइड से ही जाएंगे, क्योंकि यार वहाँ पर कोई ना कोई पब्लिक होती तो है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ऐसे अपने आप को हम लोग रिस्क में नहीं डालना चाह रहे। तो फिलहाल पहले थोड़ी देर पहले ये सीन बना था कि वो जो सामने मरी वाली रोड जा रही है, हम लोग इस मरी वाली रोड पे चढ़ के हम लोग मरी वाली साइड पे चले गए थे, और फिर हमें गूगल ने थोड़ा सा इरीटेट किया था, लेकिन फिर हम लोग वापस आए वहाँ से और फिर हम लोग इस रोड पे आए। कश्मीर रोड नाम है इसका। तो फिलहाल निकलते हैं, आई थिंक 30 किलोमीटर्स है, मैं चेक करता हूँ कितने किलोमीटर्स है नूरी वाटरफॉल। 1 hour 21 minutes 30 किलोमीटर, हाँ जी 30 किलोमीटर। बस रोड ख़त्म हो गया और अब है सारा टोटल कच्चा रास्ता, और यहाँ पे सीरियसली मेरी बाइक का काम नहीं था, तो शुक्र है हम लोग नहीं लेके आए यार, वो नहीं तो वो बर्बादी हो जानी थी, उसने ना नीचे लग लग के बर्बाद हो जाना था। सुकून चेक करो, बाकी सब बातें छोड़ो, डर भी लग रहा है यार क्योंकि सुनसान रास्ता है और हमने गलती की है यहाँ से आके। अब सिग्नल भी लॉस्ट हो चुके हैं और सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे ऊपर, तो फिलहाल गूगल ही आखिरी सहारा बचा हुआ है। चल रहे हैं फिलहाल, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और टाइम हो रहा है 12:30,
और हमें ये बता रहे हैं 141 पे हम जाके पहुंचेंगे। चश्मा है तले। सुकून सुकून चेक करो यहाँ पे यार, एक किस्म की कोई आवाज नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। आवाज चेक करो पानी की यार, यकीन करो बड़ी लेवल की जगह है ये। नूरी वाटरफॉल नहीं है, नूरी वाटरफॉल ना समझना इसको, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा पानी है यार। नूरी वाटरफॉल तो इवें ना होवे, हेलो, बहुत ठंडा पानी है भाई साहब। तो बुथाड़ा धोते हुए जहांगीर भाई, बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत ही प्यारी जगह है। हम दो के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई शोर ना कुछ। वो सामने थोड़े से घर हैं लेकिन यहाँ से दूर है, तो फिलहाल निकलते हैं यार, हमें शायद देर हो जाए वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। देखो क्या सीन बनता है, वापसी का रास्ता यहाँ से हमने नहीं आना कत्तन भी, किसी सूरत हम वहाँ यहाँ से नहीं जाएंगे। वो भाई साहब फिलहाल 17 किलोमीटर रहता है 48, और बहुत मुश्किल से सिग्नल मिले हैं आगे हमें। और मौसम चेक करो भाई, बहुत लेवल का व्यू है, नीचे चश्मा है, आवाज़ आ रही है पानी की। और फिलहाल निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। ड्राइविंग की कमांड हमने संभाल ली है, जहांगीर भाई थक चुके हैं थोड़े थोड़े से। थका नहीं हूँ भाई, सिर्फ जान पूछे मुझसे। यामा का ना अलग लेवल का कम्फर्ट है, वो उतार देती है। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। कितने किलोमीटर रह गए भाई बताओ ऑडियंस को? 13 किलोमीटर लेफ्ट। वेरी वार्म वेलकम फॉरेस्ट डिवीजन, हरिपुर डिवीजन, ठीक है। तो यार फिलहाल हम लोग पिक्स वगैरह लेने के लिए, वीडियोस वगैरह लेने के लिए यहाँ पे रुके थे, और व्यू चेक करो आप। तकरीबन नूरी वाटरफॉल यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है, तो 8 किलोमीटर आगे नूरी वाटरफॉल है। तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, 2 बजे हम वहाँ पे जाके पहुँचेंगे। रास्ता बड़ा सुनसान था और ख़तरनाक टाइप का था, तो नहीं बहुत ज़्यादा यार, मैं इसलिए डरा था क्योंकि यार कोई वहाँ पे बंदा, एक किसी बंदे का नामो निशान नहीं था। बंदे में जिगरा होना चाहिए। जिगरा है भाई, जिगरा है। ये टेंशन वाली बात ये हो रही थी कि हम लोग अकेले थे, मोबाइल साथ थे और कैश वगैरह था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वापसी में मनाल वाले रास्ते से जाएंगे, बाय रोड बाय रोड। लेकिन मज़ा बहुत आया है, यकीन करें, एडवेंचर था हमारे लिए, न्यू एक हम दोनों के लिए। पानी का फ्लो चेक करो, और बिल्कुल साफ शफाफ पानी है, बहुत ही प्यारा व्यू है। तकरीबन सुनने में आ रहा है जो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं वापस, वो कह रहे हैं घंटे की हाइकिंग है, घंटे की हाइकिंग है, तो हम तो मर गए हैं फिर। तो व्यू चेक करो भाई, बाकी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। मैंने चप्पल पहन ली है, मैंने शूज़ अपने उतार के रख दिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद बार बार शूज़ गीले वगैरह करने वाला सीन। और फिलहाल रास्ता बड़ा ख़तरनाक टाइप का है, और हमने यहाँ से इधर जाना है, पहले यहाँ से इधर जाना है ऊपर। फाइनली यार हम लोग फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं नूरी वाटरफॉल, यहाँ से 15 मिनट की हाइकिंग है, और लाइफ जैकेट वगैरह ले ली हैं हमने। और ये जहांगीर भाई हेलमेट वगैरह को वो हंटर लॉक लगा रहे हैं, इसके बाद निकलते हैं फिर। और टाइम मेरे ख्याल में 2 से ऊपर हो गया है,